मशहूर इश्तिहारी लाइन है, हीरा है सदा के लिए। काश हम सत्ता के बारे में भी ऐसा कह पाते कि सत्ता है सदा के लिए, लेकिन जनाबे हाजरीन, सत्ता सदा के लिए नहीं होती। सत्ता ओछे की रीत है, बालू की भीत है, क्षण भंगुर है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हर रोज लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन फिर भी इंसान अमर होने का सपना देखता है। और आज शायद यक्ष ये सवाल पूछता कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा सत्य क्या है। राजनेता जानते हैं, जनता से सत्ता उन्हें उधारी में 5 साल के लिए मिलती है, लेकिन वो उसके मालिक होने के सपने देखते हैं, निरंतर होना चाहते हैं। लेकिन जनता कारोबारी का व्यवहार देख कर तय करती है कि ताकत की दौलत को 5 साल के लिए दोबारा से उधार पर दिया जाए या फिर किसी नए कारोबारी को तलाशा जाए। बंगाल में जनता ने पुराने कारोबारी को फिर से 5 साल के लिए सत्ता की दौलत थमा दी है। प्रतिद्वंदी कारोबारी हार से तिलमिला गया है, क्योंकि बंगाल की हार सिर्फ हार नहीं है, ये पराजय महापराजय है। और अब बारी उत्तर प्रदेश की है, जहां योगी ने सत्ता साधना की है। उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों से अलग है, यह राज्य विशाल काय है। यहाँ कोई भी विजय सिर्फ विजय नहीं होती, महाविजय होती है, और कोई भी पराजय पराजय नहीं, महापराजय। यहाँ राम है, उनका मंदिर है, लेकिन इसके साथ साथ मंदिर की जमीन की खरीद फरोख्त की भी बात होने लगी है। यहाँ गंगा बहती है, लेकिन गंगा के साथ साथ उसमें अब शव भी बहने लगे हैं। बिसात बिक चुकी है, मोहरे बिठाए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश एक और लिहाज से भी अहम है। बंगाल की महापराजय ने मोदी और शाह के तिलिस्म की लंका में सेंध लगा दी है, और अगर उत्तर प्रदेश 2022 में हाथ से निकल गया तो लगता है कि 2024 में वानर सेना सोने की लंका पर चढ़ाई करने की ठान लेगी। इसलिए बात आज उत्तर प्रदेश की। इस बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शरद गुप्ता, सालों से उत्तर प्रदेश पे नजर रखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति की नस नस से वाकिफ हैं। इनके अलावा हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार औरंगजेब नक्शबंदी और श्रीनंद झा। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं AIMIM के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली। इसके अलावा कांग्रेस से हमारे साथ दो नेता जुड़े हैं, एक है गौरव कपूर जो पार्टी के रिसर्च सेल के उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और साथ में हमारे साथ है कोणार्क दीक्षित जो कि पार्टी से तो निष्कासित हो चुके हैं लेकिन मन से अभी भी कांग्रेसी हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शरद जी, सबसे पहले ये बताइए कि हम नए किराएदारों की बात तो तब करें जब पुराना किराएदार मकान खाली करने को तैयार हो। क्या 2022 में योगी आदित्यनाथ के लिए मकान खाली करने की नौबत आ सकती है? मैं इसमें किसी पर्सनालिटी का नाम नहीं लूंगा, योगी आदित्यनाथ मींस द बीजेपी। और अगर जो पंचायत जिला पंचायत के चुनाव जो हुए हैं वो कोई इंडिकेशन है तो जिस बीजेपी ने 4 साल पहले 1/4 से ज्यादा बहुमत पाया था वो अब 25% से कम सीटें पा रही है, तो अगर ये कोई इंडिकेशन है तो आपके सवाल का जवाब मुझे मेरे ख्याल से आपको मिल गया है। और जिस कभी भी यूपी में जब भी चुनाव हुए हैं तो इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस बार हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने तालमेल करके इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को हरा नहीं पाए। लेकिन तब नरेंद्र मोदी एक चेहरा थे, लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए वोट किया था, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं और कौन बनेगा ये भी पता नहीं है, क्योंकि खुद बीजेपी के लोग कह रहे हैं
कि साहब मोदी चेहरा होंगे, कभी कहते हैं योगी चेहरा होंगे, कभी कहते हैं कि नहीं साहब चेहरा बाद में डिसाइड होगा, तो इतना कंफ्यूजन है। अगर अपोजिशन जीतता है तो अपनी किसी अचीवमेंट या उसकी वजह से नहीं जीतेगा, वो बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई की वजह एक बड़ी वजह बनेगी अपोजिशन की विक्ट्री के लिए, अगर होती है तो। जी शरद जी, आपने बहुत अहम बात कही कि 2022 में अगर बीजेपी जीत भी जाए तो ये तय नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ऐसी वजह क्या है? वो मैंने अभी आपको बताया कि साहब बीजेपी में आपस में लड़ाई हो रही है कि जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो कहते हैं कि साहब किसी का चेहरा पहले से डिसाइड नहीं होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो जो उनके पार्टी अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो कहते हैं कि नहीं साहब योगी के चेहरे पे लड़ा जाएगा। तो आपस में इतने ज्यादा डिफरेंसेस, इतने ज्यादा डिफरेंसेस हैं कि अभी मतलब इतनी खेमेबंदी आपने देखा ही होगा, पिछले 3 महीनों में लगातार मीटिंगों का जो सिलसिला चलता रहा है तो उसमें कुछ नहीं तो कुल मिला के 60-70 घंटे की तो उन्होंने बातचीत की है। तो अब जाहिर है कि 60-70 घंटे की बातचीत की है और जिसमें योगी आदित्यनाथ की आरएसएस के लोगों से बात हुई, योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री से बात हुई, योगी आदित्यनाथ की बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से बात हुई, अमित शाह से बात हुई। तो आखिर कुछ नहीं था तो इतनी ढेर सारी मीटिंगों का मतलब क्या था? क्योंकि बार बार ये बात आ रही थी, सिर्फ एक बात थी कि भाई मोदी जी ने अपने जो उनके साथ पिछले 15-20 साल से एक आईएएस थे एके शर्मा, उनको इस्तीफा दिला के भेजा था यूपी एज हिज मैन, हिज आईज एंड ईयर्स, वो नरेंद्र मोदी के आंख और कान बनने वाले थे, उनको एमएलसी बनाया गया ये मान के कि अब इनको मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन योगी जी उनको मंत्री बनाने को तैयार नहीं। अब सोचिए अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में झगड़ा हो तो आखिर क्या होगा? दोनों स्टार प्रचारक भाई मोदी के नाम पे पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं और योगी को 4.5 साल तक आपने मुख्यमंत्री बना के रखा, कुछ रहा होगा? और हर जगह आप पूरे देश में, चाहे केरल हो चाहे कन्याकुमारी हो, कहीं भी लेके गए तो आप योगी को मुख्य चुनाव प्रचारक बना के ले गए, स्टार प्रचारक। तो इज अ पोलराइजिंग फैक्टर, और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चीज उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन ही है, वैसा ही जैसा उन्होंने वेस्ट बंगाल में करने की कोशिश की। पोलराइजेशन होगा तो ही बीजेपी जीतेगी और उसमें शौकत साहब की पार्टी एक बड़ा फैक्टर होगी। जो बिहार में हुआ, जो बंगाल में हुआ, वही चीज एक बार फिर से यूपी में होने की तैयारी है और उसके लिए शौकत साहब बताएंगे कि उनका उनकी कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है बीजेपी के आने में या बीजेपी के जाने में, वो बताएंगे। साहब आप अपना स्पीकर ऑन कर लीजिए, आपका स्पीकर ऑफ है, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है लेकिन हम आपकी आवाज नहीं सुन पाएंगे जी। तो बताइए, ये इल्जाम जो है वो AIMIM पे लगातार लगता रहा है कि जहां जहां AIMIM लड़ती है वहां फायदा बीजेपी को मिलता है। देखिए औरंगजेब भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये इल्जाम सिर्फ MIM पर नहीं है, ये इल्जाम जितनी भी मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियां अब तक हिंदुस्तान के अंदर बनी, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के ऊपर भी ये इल्जाम कांग्रेस के लोगों ने लगाया आसाम के अंदर। 5 साल पहले जब मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने कांग्रेस से कहा कि हम चाहते हैं कि हम मिलकर के इलेक्शन लड़े, तो उस वक्त तरुण गगोई ने एक बयान दिया था कि नहीं नहीं आप तो बीजेपी के एजेंट हैं, कांग्रेस आपसे अलायंस नहीं कर सकती। रही बात जो अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि बिहार में हमने बीजेपी को फायदा पहुंचाया, वेस्ट बंगाल में हम चुनाव लड़े, देखिए अब उत्तर प्रदेश में क्या करती है शौकत साहब। तो साहब उत्तर प्रदेश में हम 2019 का पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़े थे और बीजेपी 61 सीटों पर कामयाब हुई उत्तर प्रदेश के अंदर। सपा बसपा अलायंस को 36-37% वोट उत्तर प्रदेश में मिला, 18% और 17% वोट दोनों पार्टियों को मिला।
कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी, जो भी नुकसान जो भी कांग्रेस को वोट मिला वो टोटल फायदा बीजेपी को गया। हम हरियाणा में इलेक्शन नहीं लड़े, बीजेपी वहां पे कामयाब हुई, ये भी हमारी वजह से हुआ। बिहार के अंदर हमने बार बार एक बात कही थी हमारे वहां के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने कि हम चाहते हैं कि आपसे मिलकर के हम अलायंस करके हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वहां पे तेजस्वी यादव वो चूंकि वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट में थे कि हम तो सत्ता में आ रहे हैं, उन्होंने इग्नोर किया। और वहां पर हमने भी एक गठबंधन मनाया, गठबंधन मना करके उसमें बीएसपी थी, राजभर सब की पार्टी थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, मिलकर के चुनाव लड़े 20 सीटों 19 सीटों पर, 5 सीटों पर हम कामयाब हुए। तो आप इस तरीके की जिम्मेदारी या और भी कांग्रेस पार्टी के लोग या और भी समाजवादी बीएसपी के लोग उत्तर प्रदेश में, तो ये बेबुनियाद इल्जाम है हम पर। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम रजिस्टर्ड हैं, हमारे एमपी हैं, हमारे एमएलए हैं। 2019 के इलेक्शन में पूरे हिंदुस्तान में हमने 3 सीटों पर इलेक्शन कंटेस्ट किया था। एक सीट आपको मालूम है किशनगंज, जहां पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब चुनाव लड़ रहे थे, 3 लाख से ज्यादा वोट, मैं भी 10 दिन वहां कैंपेन में था, 3 लाख से ज्यादा वोट हमने वहां पर हासिल किया। और पूरे बिहार के अंदर कांग्रेस एक सीट जीती, और वो सीट कौन सी थी, वो किशनगंज की सीट थी। हम औरंगाबाद लड़े, 25 साल से उस सीट पर शिवसेना का कब्जा था, हमने शिवसेना से उस सीट को छीना। हैदराबाद पार्लियामेंट की सीट हमारे लीडर, हमारे नेशनल लीडर, कौमी सदर, हमारे बैरिस्टर साहब 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत करके आए। तो ये कहना आसान होता है लेकिन इसको प्रूफ करना मुश्किल होता है। सच्चाई तो ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर आप यूपी की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर मेरा अपना मानना यह है, चूंकि मैं जमीन पे हूं, मैं जमीन पे काम कर रहा हूं, अभी मैं वेस्ट यूपी के 10 जिले के दौरों पे था, 10 दिन बाद मैं वापस आया हूं, तो कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार पूरी तरीके से खो चुकी है। सहारनपुर एक ऐसा जिला है जहां पर 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी थोड़ा मजबूत है, और उसकी वजह है इमरान मसूद साहब। बाकी उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में कांग्रेस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होना है। अच्छा, हम पर इल्जाम लगता है हम बीजेपी की बी टीम है, हम बीजेपी के को फायदा पहुंचाते हैं। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ रही है, चंद्रशेखर चुनाव लड़ने आ रहे हैं, एनसीपी चुनाव लड़ने आ रही है, आरजेडी चुनाव लड़ने आ रही है, टीएमसी चुनाव लड़ने आ रही है, जेडीयू चुनाव लड़ने आ रही है। इनके बारे में कांग्रेसियों का क्या ख्याल है, या और भी समाजवादी बीएसपी के लोगों का क्या ख्याल है? मेरा मानना यह है औरंगजेब भाई, मेरा मानना यह है औरंगजेब भाई, राजेश भी आपसे सवाल पूछेंगे, मैं राजेश भाई, सॉरी माफ कीजिएगा राजेश भाई, मेरा मानना यह है राजेश भाई कि 2022 का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन समाजवादी बीएसपी मिलकर के भी बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने देख लिया, 2017 के इलेक्शन में कांग्रेस समाजवादी के अलायंस को आपने देख लिया। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग आज इकट्ठे भी हो जाएं तो ये बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नहीं रोक पाएंगे। उसकी उसका एक देखिए बड़ा उसका एक बड़ा रीजन है, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। बहराइच उत्तर प्रदेश का एक जिला है, विधानसभा बहराइच सदर विधानसभा, जहां पर बीजेपी का एमएलए है, और उस सीट पर मुस्लिम वोटर 40% से ज्यादा है, लेकिन वहां पर बीजेपी कामयाब हुई। उसका रीजन आप जानते हैं, समाजवादी बीएसपी कांग्रेस ये तीनों अपने मुस्लिम कैंडिडेट देते हैं, मुस्लिम वोट 3 हिस्से में डिवाइड होता है, उसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचता है। तो बीजेपी को फायदा हम पहुंचा रहे हैं, ये या नाम निहाल सेकुलर पार्टियां पहुंचा रहे हैं। बड़ा क्वेश्चन, तो अब 4 जगह बटेगा ना, अभी तक 3 जगह बटता था, अब तो मुस्लिम वोट 4 जगह बटेगा।
सर सर हम ठेकेदार तो नहीं है जी, कहां कह रहे हैं ठेकेदार हैं सर, सर हमने 70 सालों से नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को वोट किया है सर, जब मुल्क आजाद हुआ आजादी के बाद, सर सर एक मिनट राजेश भाई एक जी 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 सर, जब मुल्क आजाद हुआ आजादी के बाद लखनऊ के रिफायाम क्लब में 1947 दिसंबर में एक कन्वेंशन बुलाया गया, कांग्रेस पार्टी ने उस कन्वेंशन को बुलाया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उस कन्वेंशन में की सदारत की थी, और मुसलमानों से कहा गया कि वतन अजीज आजाद हुआ दो सियासी पार्टियां मुल्क के अंदर है, एक मुस्लिम लीग और एक कांग्रेस पार्टी, अरे मुसलमानों मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है, मुस्लिम लीग के लीडर तुम्हारे लीडर नहीं, कांग्रेस पार्टी तुम्हारी लीडर है, कांग्रेस के लीडर तुम्हारे कायद, हमने लब्बैक कहा। लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि आजादी के बाद हम 34% जहां सरकारी नौकरियों में थे, आज हम 1% भी नहीं है। आप बताइए मुझे, अगर आज हम उत्तर प्रदेश में MIM को लेकर के आए तो उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि मुसलमान दिन पे दिन पसमानदा होता जा रहा है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, उसको सामने रखिए आप ना। हमको तो लॉलीपॉप दिया गया, सुनहरे हमें दिन में तारे दिखाए गए, लेकिन हमें दिया क्या गया? तमाम ऐतिहासिक बातों पे हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन शरद जी ने राजेश एक सेकंड में एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ। 34% की बात वो कह रहे हैं तो 34% नौकरियां प्री पार्टीशन थी, वो उनको थोड़ा साफ करना पड़ेगा कि 34% नौकरियां बंटवारे से पहले थी, उसमें से कितनी पाकिस्तान चली गई और कितने तब पार्टीशन के बाद कितने परसेंट तक, वो अगर शौकत भाई बताएं तब क्लियर होगा ना। के बाद नहीं सर, नहीं इसके सर, साथ साथ मैं एक पिछले सवाल जोड़ना चाहूंगा। शरद जी ने एक बात कही थी कि अगर अगर बीजेपी को हराना है तो विपक्षी पार्टियों को मिलना होगा जो विपक्षी एकता का सूचकांक है उसको बढ़ाना होगा। तो क्या अगर कोई ऐसा अलायंस की बात होती है तो MIM जो है वो तमाम दलों के साथ मिलकर चल पाएगी या अकेला चलो रे अकेले ही चुनाव लड़ने का करेगी, जिसका खामियाजा जो है तमाम विपक्षी पार्टी को भुगतना पड़ेगा? राजेश जी, हम कभी भी अकेले अलायंस आप अकेले इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। हम भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसमें 9 पार्टियां हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं उसमें, हम उस मोर्चे का हिस्सा हैं, और मोर्चा ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो दो बड़ी पार्टियां रीजनल पार्टियां समाजवादी बहुजन समाज पार्टी, इन पार्टियों को आना चाहिए हमारे साथ, हमारे दरवाजे इनके लिए ओपन है, वरना बीजेपी को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में नामुमकिन है। लेकिन लेकिन औरंगजेब मैं इसमें आपको लेना चाहूंगा, लेकिन मायावती ने तो अकेले चलने का रास्ता उन्होंने अख्तियार कर लिया है, तो इसलिए विपक्षी एकता का सूचकांक तो धराशायी हो रहा है। नहीं, अगर राजेश आप देखेंगे खाली मायावती ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव भी बोले हैं कि हम बड़ी पार्टियों से कोई समझौता नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा है। वो उनका और कांग्रेस का लास्ट टाइम अलायंस था तो क्या हालत हुई वो हम सब जानते हैं, और लास्ट कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, जो उस पे सफर करेगा वो डूब जाएगा। तेजस्वी यादव के साथ ये हुआ वेस्ट बंगाल में, लेफ्ट 35 साल हुकूमत में थी, एक सीट नहीं जीती, उसके भी जिम्मेदार हम हैं क्या? मैं ये कह रहा था कि इसलिए कोई अलायंस की बात अभी तक कहीं से ठोस नहीं आ रही है, ऑपोजिशन अलायंस की बात जहां तक उसकी बात कर रहे हैं हम। इस बार भी समाजवादी पार्टी जो शरद जी कह रहे हैं कि एक तभी जीत सकते हैं जब ऑपोजिशन एक साथ आ जाए, और वो अभी हमें नजर नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है। हमने देखा भाई अभी 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 एक हफ्ता पहले एक टीवी शो में अखिलेश यादव ने 3 पार्टियों का नाम लिया था जो छोटे दल से हम समझौता करेंगे, उसमें एक नाम उन्होंने लिया था संजय सिंह चौहान, जिसकी पार्टी का नाम किसी को नहीं मालूम, एक नाम उन्होंने लिया था महान दल जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम किसी को नहीं मालूम, एक नाम उन्होंने लिया आरएलडी उत्तर प्रदेश में 3 जिले की पार्टी है, उसके पास कुछ भी नहीं, जनाधार खत्म हो चुका है, क्या इनको लेकर के आप बीजेपी से मुकाबला करेंगे?
मैं तो मैं शौकत साहब आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ कि उन्होंने पहले ही कहा कि हम किसी बड़ी पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ठीक नहीं रहा है। तो वो बात ठीक है क्योंकि उन्होंने 2017 में कांग्रेस के साथ अलायंस किया, 2019 में बीएसपी के साथ अलायंस करके दोनों बार वो पिट गए हैं। तो इसलिए उनको इस बार लग रहा है कि मैं छोटे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ अलायंस करके हम देखेंगे वो कितना फायदा उनको हो जाएगा, वो तो टाइम बता देगा। लेकिन एक चीज ये आ रही है कि मैं गौरव जी से भी पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस जो है इस टाइम हमने देखा कांग्रेस का वैनिशिंग एक्ट हो रहे हैं, प्रियंका गांधी के वैनिशिंग एक्ट हो रहे हैं, वो माइग्रेंट वर्कर्स का इशू होता है तो वो आगे आ जाती हैं, हथरस का इंसिडेंट आते हैं तो राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी दोनों आके बॉर्डर तक आते हैं, उसको एक आगे बढ़ा देते हैं उस इशू को। लेकिन उसके बाद कभी कभी आते हैं, उसके बाद हमने कहीं देखा नहीं उनको। क्या एक ये बात चल रही है कई सालों से हम सुन रहे हैं कि प्रियंका गांधी अपना बेस शिफ्ट करेंगी, अब लखनऊ जाएंगी, शीला कौल के घर पे वहां वहां रहे, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। ये वैनिशिंग एक्ट कहां कांग्रेस को लेके जाएगी, ये गौरव जी से। देखिए मीडिया मीडिया को कोई मसाला चाहिए होता है तो कभी वो शीला कौल जी के घर के बारे में बात करने लगती है या कुछ। और शौकत भाई जो तीन एमपी की पार्टी है वो किसी को तीन जिले की पार्टी बता रहे हैं वो शोभा नहीं देता है। और अगर एमआईएम को इतना शौक है भाजपा को हराने का तो उनको उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहिए। अगर वो जमीन की बात करें, जमीन की जनाधार की बात करते हैं, वो अभी वेस्टर्न यूपी घूम के आ रहे हैं जैसा वो बता रहे थे। मैं भी पूर्वांचल पूरा अच्छे से जानता हूँ, थोड़ा बहुत वेस्टर्न यूपी भी जानता हूँ, ऐसा नहीं है वहां मैं। और खासकर मैं बनारस या उसके आसपास की बात कर सकता हूँ, एमआईएम की कोई पूछ भी नहीं है, ना कोई जनाधार है, आने दीजिए उनको। बिहार में हो सकता है 2-4-5 सीट जीती हो, उत्तर प्रदेश में 0 सीट जीत के जाएंगे, कोई जनाधार नहीं है। और ये सही में भाजपा की बी टीम है, उसी लिए आई रही है यहाँ पर, क्योंकि भाजपा को भी पता है जो भी जना आज की तारीख में ये कहे कि ऑपोजिशन यूनिटी की जरूरत है या फिर भाजपा का आज भी जनाधार है, वो जमीन से जुड़ा नहीं है, वो ड्राइंग रूम के अंदर बैठा हुआ है। आज की तारीख में कोरोना के सेकेंड वेव के बाद जो आक्रोश है लोगों के अंदर, आपको केवल शहर से 15 किलोमीटर दूर जाने की जरूरत है, आपको आज आक्रोश दिख जाएगा। आज की तारीख में लोग भारतीय जनता पार्टी को, श्री योगी जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को छोटे चुनाव के लिए 2022 के विधानसभा के लिए अरे हमें भी बात पूरी करने दीजिए, हमें भी मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपकी बात खत्म नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सवाल एक यहाँ पर ये है कि कांग्रेस अछूत पार्टी क्यों बनती जा रही है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि कांग्रेस ने गांधी परिवार के कुछ करीबी लोगों को लेकर बहुत बहुत असंतोष है। हमारे साथ कोणार्क दीक्षित जुड़े थे जो कि किसी वजह से उनका उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। कोणार्क जो है वो अपने आप को अपने ट्विटर प्रोफाइल पर लिखते हैं कि वो निष्कासित कांग्रेसी है, लेकिन उनके मन में तन में रोम रोम में अभी तक राहुल गांधी बसते हैं। तो एक तो कांग्रेस के अपने अंदर सिरकुटोबोल है क्योंकि कांग्रेस को दिशा और दशा दोनों का लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या लेगी। दूसरा ये है कि बाकी दल जो है वो आपसे मिलने में कतरा रहे हैं, ये अछूतपना कहां से आ गया कांग्रेस में जहां जिसके साथ। ये देखिए गलत बात है, असम में अभी अलायंस हुआ था हम लोग का, ऐसा नहीं। अगर हम लोग अछूत होते तो अजमल साहब हम लोग से वहां हाथ नहीं मिलाते या दूसरे दल हाथ नहीं मिलाते। देखिए ये कहना सरासर गलत है कि हम लोग कोई अछूत पार्टी, हम एक नेशनल पार्टी है। इस पार्टी ने इस पूरे देश को बनाया है। आज ये जो टेक्नोलॉजी यूज करके हम और आप बात कर रहे हैं ये भी इसी पार्टी की देन है। तो कांग्रेस आपके नेता आचार्य प्रमोद ने आज की तारीख में हो सकता है आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी थोड़े से कम सीट पा रही हो, पर दिन प्रतिदिन ये कोरोना ने दिखा दिया कि जो पार्टी काम करती है वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी काम करती है। जो पार्टी सबके साथ खड़ी रहती है, आम जनता के लिए खड़ी रहती है, चाहे वो हमारे यूथ कांग्रेस, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, वो पिछले 1.5 साल से हर एक जने को दिख गया है कि एक ही पार्टी है इस देश में जो आम जनता के साथ खड़ी रहती है और हर वक्त खड़ी रहती है। गौरव जी ने वो सवाल का जवाब नहीं दिया जो औरंगजेब ने पूछा था कि भाई प्रियंका जी को
यूपी में सब संभालना था, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है यूपी की, लेकिन उसके बावजूद वो ईद का चांद क्यों है, साल में दो ही बार क्यों दिखाई देती है यूपी में? ऐसी बात नहीं है, रोज मीटिंग ले रही है, रोज बात कर रही है, रोज उनसे सर पिछले बताए जा रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। वर्चुअल मीटिंग से वर्चुअल वोट मिलेंगे? नहीं, वर्चुअल मीटिंग कर रही है तो वर्चुअल ही वोट मिलेंगे। चलिए हम लोग वर्चुअल वोट लेके कम से कम भाजपा को रोक देंगे। मैंने आपसे एक सवाल और किया था कि प्रियंका गांधी के कुछ करीबी लोगों को लेकर कांग्रेस में बहुत असंतोष है। जी, भाजपा में भी बड़ा असंतोष है। उस चार साल से मुख्यमंत्री जी खाने नहीं गए थे, कहीं खाना खाने चले गए थे, वो डीके शर्मा जी आ गए हैं, उससे बड़ा असंतोष है। देखिए, हर बड़े राजनीतिक दल में एक परिवार के जैसे होता है, वहाँ आक्रोश, असंतोष, संतोष समय समय की बात है। हम लोग सब इंसान है, कभी अपने घर के अंदर लड़ाई हो जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अलग अलग हो जाते हैं। मैं चर्चा में श्रीनंद झा को लाना चाहूंगा। श्रीनंद झा ने अपने अपने रिपोर्टिंग करियर में समाजवादी पार्टी को उसके जन्म से बहुत करीब से देखा है, उसकी नस नस से वाकिफ है श्रीनंद झा। श्रीनंद जी, ये बताइए कि दो नारे दिए गए हैं, एक नारा है एक गाना है। पहला नारा ये है कि 22 में साइकिल, और दूसरा है कि सुख दुख में साथ निभाया है, सुख दुख में साथ निभाएंगे। तो जिम्मेदारी जो है क्या अखिलेश के कंधों पर आ पड़ी है, लेकिन क्या अखिलेश के कंधे इतने मजबूत हैं वो इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? देखिए, मैं ये कहूंगा कि स्थिति जो है ग्राउंड लेवल पे आप लोग सभी जानते हैं बहुत तेजी से बदल रही है। अभी फॉर्मेशंस और तरह तरह के कॉम्बिनेशंस बनाए जा रहे हैं और बनेंगे भी, इसलिए अभी थोड़ा सा जरूर प्री मेच्योर है। अभी कुछ दिन पहले तक समाजवादी पार्टी एक मेन चैलेंजर के रूप में देखी जा रही थी अगेंस्ट बीजेपी, लेकिन अभी मायावती ने अनाउंस किया है कि वो अलग लड़ेंगी, ओवैसी जी ने अपना एक गठबंधन बनाया है, और जेडीयू भी 200 सीटें के आसपास लड़ेगी यूपी में। तो ये एक तरह से, ये मैं जो समझता हूँ, एक बीजेपी इंस्पायर्ड, ये नहीं कहता हूँ बीजेपी इंस्पायर्ड गेम है कि वो ऑपोजिशन स्पेस को जितना डिवाइड हो सके उसको डिवाइड किया जाए। इस डिविजन जी, आपकी आवाज जो है तो बीजेपी को ही फायदा मिलता है। अब ये मेरा बिल्कुल भी कतई कहना नहीं है कि ओवैसी यूपी में बीजेपी के इशारे पर या बीजेपी के एनकरेजमेंट पे वहां पे चुनाव लड़ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उस ओवैसी या इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप्स फॉर्मेशंस के होने से बीजेपी को फायदा जरूर, 2-4 सीटें उसको ओवैसी जी को भी मिल जाए, उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन ओवरऑल आइडियोलॉजिकल जो उनका गोल है वो कहीं ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि ये जो टेम्पलेट है, ये ऑपोजिशन स्पेस को डिवाइड करना, एंटी बीजेपी एंटी इनकम, 2016 में जनता ने अपने स्टेट में इसको पहले सबसे पहले यूज किया था, बाद में बीजेपी ने इसको बिहार में फिर बंगाल में भी कोशिश की। तो वो उस टेम्पलेट पे बीजेपी काम कर रही है, बहुत तेजी से काम कर रही है। अब अखिलेश कहाँ तक इसको काउंटर कर पाते हैं? लेकिन चिन्हन जी, उनका जो दावा है, उनका अखिलेश यादव का जो दावा है कि सुख दुख में साथ निभाया है, क्या आपको लगता है सुख दुख में उन्होंने साथ निभाया? पिछले 5 साल वो जनता के साथ डट के खड़े रहे हैं, कुछ एब्सेंटी में नहीं रहे वो ऐसा तो बहुत एक्टिव तो नहीं थे, लेकिन उनका दावा ये है कि उन्होंने उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो कार्य किए, जो एक्सप्रेसवे बनाया या लखनऊ का ब्यूटिफिकेशन है, इस तरह की चीजों का, तो उन मुद्दों पे वो चुनाव जीत जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि वो एक समाजवादी पार्टी के लीडर तो है, लेकिन वो यादव लीडर एक उस तरह से नहीं माने जाते जिस तरह से उनके पिताजी का जो आइडेंटिफिकेशन था, मुलायम सिंह का जो आइडेंटिफिकेशन था कास्ट के साथ, वो इनके साथ नहीं है, क्योंकि ये थोड़े से लिबरल और प्रोग्रेसिव
किस्म के इनका 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 मेकअप है, इनकी पत्नी भी वहाँ गढ़वाल की है और थोड़ा सा एजुकेशन और बैकग्राउंड इनका भी अलग है, तो ये पूरे यादव वोट को वो एक साथ वो इस तरह से कंट्रोल कर पाएंगे या उस पर डोमिनेंस इनका रहेगा ऐसा भी स्थिति नहीं है। इनको भी बड़े चैलेंजेस हैं इनके सामने, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा था कि उनके जो चाचा है शिवपाल यादव, उन्होंने अभी फिर कुछ बोला है उनको जो उनके पॉलिसीज के विपरीत कुछ कहा है, और अपर्णा यादव जो है जो मुलायम सिंह की डॉटर इन लॉ है, वहाँ आपको याद होगा कि उनकी गौशाला में जब चीफ मिनिस्टर बने योगी तो सबसे पहले उनके गौशाला में गए थे देखने के लिए। तो एक तरह से मुलायम या अखिलेश के परिवार में एक तरह से बीजेपी ने भी सेंध एक तरह से लगा रखी है, तो ये चैलेंजेस बहुत है और खासकर इस तरह का जो मल्टी पार्टी कॉम्बिनेशन आ जाएंगे मैदान में तो इसका समाजवादी पार्टी को एक एक प्राइम मतलब ओपोनेंट बीजेपी का ऐसा मानना मुश्किल हो जाए। जी जी सुरेंद्र जी, इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी को विपक्षी एकता से पहले पारिवारिक एकता के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी वक्त चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम दोबारा से इस चर्चा में जुड़ेंगे, वापिस आते हैं जल्दी ही। ब्रेक के बाद आपका रायसीना रिपोर्ट में फिर से स्वागत है। शरद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक तो बीजेपी के अंदर खेमेबंदी है, आपने साफ कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ पार्टी के लिए क्या चुनावी मुद्दों की भी कमी पड़ रही है? अब जब राम मंदिर के बारे में बात होगी तो राम मंदिर की जमीन की खरीद फरोख्त की भी बात होगी, गंगा की बात होगी तो शव वाहिनी गंगा की भी बात होगी। बिल्कुल होगी, लेकिन इस समय जो माहौल है, जो बीजेपी जिस तरीके का माहौल क्रिएट करती है, तो उसमें आदमी दो ही खेमों में बटा हुआ है कि या तो वो बीजेपी के सभी जितने भी एक्शंस हैं सबको वो जायज ठहराता है या उसको नाजायज ठहराता है। तो अब बात ये आ रही है कि शव वाहिनी गंगा, तो उनका कहना है कि सब ये तो हर साल बरसात के समय निकल के आते थे, जब पानी कम होता है तब निकल के आते हैं शव, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। दूसरी चीज, जहां आप राम मंदिर की बात कहते हैं, तो राम मंदिर में अगर कोई घोटाला हुआ वो बार बार चैलेंज कर रहे हैं, आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? हमारे पास कुछ भी छुपाने को नहीं, आप तो आरोप लगाते हैं, और फिर हमारे जिन लोगों पे आप आरोप लगा रहे हैं उन्होंने तो अपनी जमीनें दान में दी हैं। तो एक तरीके से वो ये प्रोपोगेट कर रहे हैं कि दिस इज द बैटल बिटवीन राम भक्त एंड राम द्रोहीज। मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के पास सबसे बड़ा प्लैंक एक ही है, डेवलपमेंट नहीं है, मोदी नहीं है, योगी नहीं है, सिर्फ एक ही प्लैंक है, दैट इज पोलराइजेशन। और वो हर हालत में जितना ज्यादा से ज्यादा ध्रुवीकरण कर सकेंगे करेंगे, कि वो तरह तरह की इमेजेस सोशल मीडिया पे आएंगी, आने लगी हैं, आज भी एक आई है, सबको मालूम है कि किस तरीके की इमेजेस आएंगी, किस तरीके के वीडियोस आएंगे और उनका क्या असर होगा। तो उनके पास सबसे बड़ा हथियार पोलराइजेशन है, और शौकत भाई माने या ना माने, लेकिन उनका इस्तेमाल और कोई दूसरा नहीं है, उनके नाम का इस्तेमाल बीजेपी करती है, उनका समाजवादी पार्टी नहीं करती है, बीएसपी नहीं करती, कोई उनको डिराइड नहीं करता है, उनके नाम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी करती है कि ये देखिए ओवैसी आ गए हैं, मुसलमान सब एक हो रहे हैं, हिंदू यूनाइट हो जाओ, ओवैसी आ रहे हैं। तो ये चीज जो है वो मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि पोलराइजेशन ही इनके पास सबसे बड़ा हथियार है, और उसमें AIMIM एक बड़ा रोल प्ले करती है, जो उसने बिहार में किया, उन्होंने कोई बांटे नहीं। अगर आप वोट्स के एनालिसिस देखेंगे बिहार की, कोई वोट नहीं बटे हैं, जो 5 सीटें उन्होंने जीती हैं वो अच्छे मार्जिन से उन्होंने जीती हैं, लेकिन बाकी दूसरी किसी भी सीटों पे AIMIM को बहुत ज्यादा वोट नहीं मिले। तो ऐसा नहीं कि मुसलमानों के वोट बटे, बंगाल में कोई असर नहीं हुआ, लेकिन एक वो जो भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, तो वो काम है उनका, किसा वो आए चाहे ना आए, लेकिन बीजेपी जरूर चिल्लाती रहती कि भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, तो वो काम जी, मैं और वो इस्तेमाल फिर उनका हो रहा है।
ये एक सवाल में पहले जुड़ा हुआ है शरद जी की बात से, मुझे ये बताइए कि मुसलमान आखिरकार जाए तो जाए कहाँ? जो ट्रेडिशनल पार्टीज थी, मुसलमानों ने एक दफा बीएसपी का साथ दिया, मायावती मुख्यमंत्री बनी, अखिलेश यादव के साथ गए, अखिलेश यादव, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को छला हुआ महसूस किया है। तो अगर आज मुसलमान AIMIM को एक विकल्प के तौर पर देख रहा है तो क्या बुरा कर रहा है? इसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से जवाब देता हूं आपको कि आज क्या ब्राह्मण छला हुआ महसूस नहीं कर रहा है जी? आप बताइए, क्या ब्राह्मण छला हुआ महसूस नहीं कर रहा है जिसने बीजेपी को सालों साल वोट दिया और पिछले 5 सालों से ब्राह्मणों के साथ क्या हो रहा है? वो तो अपनी ब्राह्मण पार्टी नहीं बना ले रहे। अगर इस तरीके से पार्टियां बनेंगी, देखिए मैं बीएसपी को दूसरे तरीके से मैं आपके सामने रखता हूं। बीएसपी जो आज है वो बीएसपी नहीं है जो काशीराम ने बनाई थी। काशीराम ने जो बनाई थी वो बीएसपी थी जिसमें मैं कहता हूं, दलित नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं वंचित, जो समाज के सबसे निचले तबके के लोग थे उन लोगों को उन्होंने जोड़ा, जिनके पास कभी भी किसी तरीके का कोई एम्पावरमेंट नहीं था, कभी किसी तरीके का उनको न आरक्षण का लाभ मिलता था न सत्ता का। उनके वोट कोई भी पार्टी ले जाती थी, कांग्रेस ले जाती थी हमेशा, लेकिन उनको दिया कभी किसी ने कुछ नहीं। वो कुछ ऐसे कास्ट थी जो हमेशा पावर में रही। तो जब काशीराम ऐसे लोगों को जोड़ के उन्होंने 1993 में एक समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, तो आखिर उस सरकार में मंत्री कौन बने? 4 ऐसे मंत्री थे जो उस समय तक MLA भी नहीं थे। तो उसमें ऐसी ऐसी जाति के लोग मंत्री बने जो उनसे पहले कभी बने ही नहीं थे। तो एक तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दिया उन कास्ट को जिनको उससे पहले कभी नहीं मिला था। लेकिन 1993 से लेके और 2007, ये 14 साल में बीएसपी कितनी बदल गई कि साहब, जिन जो उनके नारे होते थे कि साहब वो तिलक तराजू से लेके और वो बन गया कि साहब हाथी नहीं गणेश है, तो एकदम वो सर्व समाज की बात करने लगे। और जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ काशीराम जिंदगी भर लड़ते रहे, उन्हीं ब्राह्मणों का सहारा लेके उन्होंने सरकार बनाई और 5 साल तक उन्हीं ब्राह्मणों के हाथ में सारी सत्ता चली गई। तो आखिर उसका जो असर होना था, जिन लोगों के लिए बीएसपी बनी थी, जिन लोगों को एम्पावर करने के लिए बीएसपी बनी थी, जब उनके हाथ में सत्ता ही नहीं रही तो उन्होंने कहा कि ये हमारी पार्टी नहीं है जिसके लिए हम इसको सपोर्ट करते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने भी वहां से खिसकना शुरू कर दिया। तो ये एक बड़ा गेम है, ये कभी आपके मान के नहीं चलना चाहिए कि सब ये जाति है तो इनके साथ जाएगी ही जाएगी। जातियां भी अपना देखती हैं, धर्म भी अपने देखते हैं, कम्युनिटीज अपना देखती हैं, ट्राइब्स अपना देखते हैं कि साहब हमारा भला कहाँ पे है, और इसीलिए हर बार सत्ता बदलती है। अगर सिर्फ यादव और मुसलमान के बल पे सरकार बनती होती तो हर बार समाजवादी पार्टी सरकार बनाती, हर बार अगर सिर्फ अपर कास्ट सरकार बना सकते तो हर बार बीजेपी की सरकार बनती। तो हर बार चीजें बदलती हैं, इक्वेशंस बदलते हैं, और वो अपना हक देखते हैं कि हमारा हक हमारी भलाई कहाँ पे है। और उस तरीके से जिस दिन उनको लगेगा कि AIMIM हमारी हमारा भला कर रही है तो झोली भर भर के वोट देंगे। जैसे उन्होंने बिहार में 5 सीटों पे दिया, लड़ी तो बहुत 25 सीटें थी, 5 ही सीटों पे क्यों मिला? 2500 पे मिलना चाहिए था ना। तो खैर, मैं शरद जी से एक सवाल पूछना चाहता था कि शरद जी कह रहे हैं कि पोलराइजेशन रहेगा बड़ा इशू, मैं आपसे ये पूछूं क्या कोरोना नहीं रहेगा इस बार इशू? जो हमने एक ट्रेजेडी देखी कोरोना की वजह से, जो यूपी में हमने लाशें तैरते हुए देखी, क्या पोलराइजेशन और जो हिंदू मुस्लिम जो वहां पे ये नेता कराते हैं, क्या पोलराइजेशन उसको उसकी वजह से कोरोना का वो अनदेखा हो जाएगा? जो भी हमने देखे, जो हमने ये चित्र देखे, हमने चित्र देखे हैं टेलीविजन में, और टेलीविजन पे चित्र देख के हम बहुत भाव विहल हो गए कि साहब कितनी लाशें तैर रही हैं, कितने लोग मर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे, तो कहां मिल रहे थे? दिल्ली में मिल रहे थे, बॉम्बे में मिल रहे थे, बेंगलोर में मिल रहे थे, कहीं नहीं मिल रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह राज्य सरकारें सत्ता से बाहर हो जाएंगी। यूपी में मैं फिर कह रहा हूं कि
इश्यू एक ही रहेगा और उसके लिए बीजेपी भरपूर कोशिश करेगी। कोरोना से गांव में आज भी आप जाइए तो लोगों से पूछिए, भाई भैया मर गए अब काहे मरे बताना है, बीमार रह रहे अब मर गए। चौकत भाई को मालूम होगा, बताएंगे वो वहां के जो जो जमीनी हकीकत है। लोग गांव के कहते हैं कि साहब हमारे घर में लोग मर गए, कैसे मरे हमें नहीं पता। गांव के लोगों को कभी भी मेडिकल फैसिलिटीज थी ही नहीं, आज भी नहीं है। लोग पहले मरते थे, पहले दो चार मरते थे, आज वो 50-50 मर रहे हैं। सब ठीक है, सब जगह मर रहे हैं, हमारे यहाँ भी मर गए, टीवी में देख रहे हैं कि सब बेंगलोर में भी मर रहे हैं, बंबई में भी मर रहे हैं। तो ये तो कहते हैं कि सब अमरीका में भी मर रहे हैं, बीजेपी तो ये कहती भाई हमारे यहाँ से ज्यादा तो अमरीका में मर रहे हैं, तो आप हमारे यहाँ क्यों? ये एंटी बीजेपी मीडिया है जो कहता है कि सब हमारे यहाँ ज्यादा मर रहे हैं। देखिए हमसे ज्यादा तो अमेरिका में मरे, हमारे यहाँ से ज्यादा यूरोप में मरे, जबकि वहां आबादी कितनी कम, हमारे इतनी ज्यादा आबादी है। और बताइए हमने तो अमेरिका को भी वैक्सीनेशन पीछे कर दिया। तो ये कोरोना इज नॉट एन इश्यू इन यूपी एज फार एज आई एम कंसर्न। मुझे जितना मालूम है, जितना लगता है, मेरी जितनी बातचीत होती, मेरी ग्राउंड रियलिटीज से मुझे बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं, लेकिन हाँ जो भी बातचीत होती मेरी लोगों से उसके अनुसार मैं कह सकता हूँ कि उसके आधार पर सब कोरोना बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला है। और इशू होता तब जब समाजवादी पार्टी, बीएसपी और दूसरी पार्टियां निकल के खुद अपने आप कैंप लगाती, लोगों को वैक्सीनेट कराती, लोगों को मदद पहुंचाती। खुद आप अपने आप एसी कमरों में बैठे हुए हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि सब बीजेपी कोरोना नहीं कंट्रोल कर पाई। तो आप क्या कर रहे थे भाई? जब बी एस श्रीनिवास लोगों की मदद कर सकते हैं, दिलीप पांडे मदद कर सकते हैं, तो यूपी के अपोजिशन लीडर्स कहां थे? शरद जी आपने कहा, उसके बाद मेरा सर एक ही कहना है कि ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी विडंबना होगी कि अगर कोरोना और उससे जुड़ी सुविधाओं का अभाव जो है अगर एक चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा, तो इसके बाद लगता है कि अगले 20-25 साल तक इस देश की जो मेडिकल व्यवस्था है वो सुधरने वाली नहीं है। औरंगजेब क्या कहना चाहते हैं? मैं शौकत साहब से पूछना चाहता हूँ कि इनका और मायावती के बीच में क्या हुआ कि गठबंधन नहीं बना, क्योंकि कई ये मीडिया रिपोर्ट्स थे, कई चर्चाएं इनकी चली होगी, अचानक मायावती को क्यों सफाई देनी पड़ी कि नहीं ये सब गलत है, हमारी कोई बात नहीं हुई, और उसी के बाद एमआईएम ने क्यों डिसाइड किया कि हम साउथ सीटें पे लड़ेंगे? कहां बात अड़ी, कहां रुकी, क्या सीट्स को लेके कहीं बात बनी नहीं? शौकत साहब आपको अनम्यूट कर ले वो। हाँ, जी, जी 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 औरंगजेब भाई मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा आप देखा, देखिए 100 सीटों का जो ऐलान की बात आप कर रहे हैं कि मायावती के बयान आने के बाद हमने किया, पहली बात तो ये गलत है। मैंने कभी ये नहीं कहा है कि हम 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मैंने ये कहा कि 100 सीटों पर हम काम कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग कर रहे हैं। मैं लगातार रिव्यू मीटिंग कर रहा हूँ, जहाँ थोड़ा कमियां है उसको मैंने फौरन तमाम जिला सदर को हिदायत दी है कि उसको कंप्लीट कर ले। 100 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की, और साथ ही साथ मैंने ये बात भी कही है कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए तमाम विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। सपा बसपा के बस की बात नहीं है कि वो बीजेपी को रोक पाए। और इन चीजों को लेकर के मैंने कुछ लोगों से मुलाकात की थी, समाजवादी के लोगों से भी मेरी मुलाकात हम लोगों की होते रहती है, बसपा के लोगों से भी होते रहती है। तो वो बात मैं हमारे ठीक है, हमारी इन लोगों से मुलाकात, सपा और बसपा को ये डिसाइड करना है कि वो लोग क्या चाहते हैं। अब रह गया कि मायावती जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अकेले चुनाव लड़ने की, तो ये सवाल तो मायावती जी से करना चाहिए, उसका जवाब तो वो दे सकती हैं या उनके लोग दे सकते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। भागीदारी संकल्प मोर्चा का हम पहले से, आज से 6 महीना पहले हम भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा बने। ओवैसी साहब आए उत्तर प्रदेश में, होटल लेमन ट्री में लखनऊ के अंदर मीटिंग हुई जनाब ओम प्रकाश राजभर जी से, तो हम तो साथ में काम कर रहे हैं, मीटिंगें भी साथ में हुई, उतरौला में जनसभा भी किया ओवैसी साहब ने, तो हम तो भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं।
हमारे दरवाजे ओपन है, अब उनको सोचना है कि वो अकेले लड़ेंगी या उन्होंने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये तो उनसे सवाल करिए आप। शौकत भाई, इसका मतलब ये है कि ये जो धुआं उठा तो कहीं ना कहीं कुछ आग लगी हुई थी। नहीं नहीं, आग लगी थी, नहीं लगी थी। आपने कहा कि कुछ मीटिंग हुई थी आपके लेवल पर, कुछ चर्चा हुई थी बीएसपी के लोगों से। देखिए, हम लोग खुल के बताइए, हम लोग लखनऊ में रहते हैं या फील्ड में रहते हैं तो ये शिष्टाचार मुलाकातें होते रहती है, ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तो समाजवादी पार्टी में काम करने वाले मुसलमान बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बड़े पद पर हैं, तो उनसे मुलाकात कहीं शादी में हो गई, कहीं और जगह साथ में चाय पी लिया, तो उसका ये मतलब नहीं है। बाकी इन इशू पे कोई बात नहीं। हाँ, हमारा जो ऑफर है वो तमाम सेकुलर दलों के लिए, हम ओपन है, जो भी चाहे बात कर सकता है, हम तैयार हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपको बस बीएसपी से कुछ उम्मीद थी और वो आपकी उम्मीद जो है वो मायावती ने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तोड़ दी। नहीं नहीं, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ और मायावती भी एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर है, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। मायावती को अख्तियार है वो अकेले लड़े, किसी के साथ लड़े, हमें भी अख्तियार है हम अकेले लड़े या किसी के साथ गठबंधन करके लड़े, ये कोई बहुत वो इशू नहीं है। लोकतंत्र है ये, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। मायावती का अपना मामला है, वो अपनी पार्टी चला रही है, हम लोग अपनी पार्टी चला रहे हैं। कि शौकत भाई को याद दिला दूं कि उनके जिस समय सबसे अजीज दोस्त हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वो योगी मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं काफी लंबे समय तक, और जब वहां से धक्के मार के निकाल दिया गया तो इनसे हाथ मिला लिया उन्होंने। तो राजनीति में वैसे तो कहा जाता है कि कोई अनटचेबल नहीं है, कोई अछूत नहीं है, लेकिन अगर अगर MIM योगी को या बीजेपी को अछूत नहीं समझता है तो अलग बात है, लेकिन राजभर साहब तो बहुत दिनों तक उनके साथ गलबहियां कर चुके हैं। नहीं, देखिए, मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, शरद जी आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत सारी रिपोर्ट आपकी सही भी है। राजभर जी 10 सालों तक मुख्तार अंसारी साहब ने एक पार्टी अफजाल भाई ने बनाई थी, कौमी एकता दल, 10 साल उनके साथ रहे। कितना? 10 साल। 14 साल राजभर जी बीएसपी में भी रहे और 17 साल हो गया उनको अपनी पार्टी बनाकर के। 2 साल उन्होंने बीजेपी के साथ उनके मंत्रिमंडल में भी रहे, साथ में मिलकर के इलेक्शन भी लड़ा जो इंडियो उनका अलायंस बना। अब उनको उनके भगाए भी नहीं गए हैं, वो बाबा के खिलाफ हमेशा मोर्चा खोल कर रखते थे, समझ रहे कि नहीं, वो उन्होंने बाबा के सामने घुटने नहीं टेके और इख्तलाफ की वजह से उन्होंने इंडिया को छोड़ दिया और उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी पार्टी है, अपनी पार्टी को वो लीडर है, ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग जयंत चौधरी और ये क्या नाम है इनका अभी जितिन प्रसाद, ये आपके सिंधिया जी बीजेपी के 100 MP इस वक्त जो है वो कांग्रेस के पूरे MP है, तो ये कोई बात नहीं हुई, इस बात में कोई दम नहीं है, कोई मतलब नहीं इस बात का। मतलब बीजेपी से कोई निकल के आपके पास आएगा तो आप उसको गले लगाने को तैयार हैं? समाजवादी बीएसपी के लोग हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में है सर, बीजेपी के बहुत सारे नेता है जो समाजवादी पार्टी में आए, समाजवादी के नेता बीजेपी में गए, समाजवादी के MLC बीजेपी में गए, तो ये पार्टियों से लोगों का आना जाना ये सब सारी चीजें लगी रहती है। कि उत्तर प्रदेश में जो धर्म निरपेक्ष और कम्युनल होना, ये बहुत आसानी से ये उपाधियां जो है एक दूसरे को बांटी जाती हैं और ले ली जाती है। संगीत सोम जो है वो हिंदू हृदय सम्राट हैं वेस्टर्न यूपी के, लेकिन वो कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े हुए, लोकसभा का चुनाव लड़े हुए हैं। तो आज मैं जिस विधानसभा में रहता हूँ, ये फूलपुर आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट की फूलपुर विधानसभा है, यहाँ के MLA अरुण कांत यादव बीजेपी से हैं, बीजेपी पूरे आजमगढ़ पे 1 सीट जीत के आई थी, और उन्हीं के फादर रमाकांत यादव 2014 का इलेक्शन मुलायम सिंह यादव के सामने लड़े थे, 56,000 वोट से चुनाव हारे थे,
मौजूदा वक्त में रमाकांत यादव के दरवाजे पर दो गाड़ी खड़ी है, एक उनकी एक उनके बेटे की, एक पे समाजवादी का झंडा है, दूसरे पे बीजेपी का झंडा। तो रमाकांत यादव से मिलने मुसलमान जाता है, अरुण कांत यादव से मिलने बीजेपी का हिंदू जाता है, समझ रहे? तो जैसे ही दल एग्जैक्टली यही चीज मैं बताने जा रहा था। एक बार सीपीएम के सांसद रहे हैं मोहम्मद सलीम साहब, उन्होंने एक छोटा सा किस्सा सुनाया था दो लाइन का, कि वो ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली आ रहे थे, उनके बगल में कोई सज्जन वो भी ट्रेन से सफर कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो उस व्यक्ति ने कहा मैं टिकट लेने जा रहा हूँ दिल्ली, चुनाव लड़ना है। क्या किस पार्टी से चुनाव लड़ना है? तो भाई मैं समाजवादी पार्टी से। तो अगर समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो बीएसपी से मिल जाएगा, अगर बीएसपी ने भी नहीं दिया तो कांग्रेस का टिकट तो मिल ही जाएगा। तो यूपी में पॉलिटिशियंस की ये हालत है कि साहब कोई आइडियोलॉजी नहीं है, यस, कि बस चुनाव लड़ना है, सत्ता में चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, सत्ता में आना है। और देखिए अब जब तक जनता ये समझेगी नहीं तब तक जनता का यही हाल होता रहेगा, जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि पोलराइजेशन 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 तभी हो रहा है। अगर जनता जिस दिन समझ लेगी तभी पोलराइजेशन का मतलब क्या है और क्यों हो रहा है, तो उस दिन ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन शरद जी क्या आपको लगता नहीं कि यूपी का मुसलमान इतना समझदार है कि वो इस सब माया जाल को भेद कर पहचान लेगा कि उसका हित कहाँ पर है? अभी हम लोग कोरोना की बात कर रहे थे, अगर इतना समझदार होता तो कोरोना की ऐसी दुर्दशा होने के बावजूद क्या जो पार्टी जिसने ये दुर्दशा कराई उसको वोट देता? और वो तो आपके ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है, एमएलए, सभासद, एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कितने डबल इंजन की सरकार, यहाँ तो सात इंजन की सरकारें चल रही थी, उसके बाद ये दुर्दशा हुई है। तो उसके बाद भी अगर वो बीजेपी को अभी भी अगर जिला पंचायतों में 25% वोट मिले हैं और यूपी में 31% पे सरकार बन जाती है, 29 से 31% पे, तो 4% कम है। और जब वो 6-7 इंजन लगेंगे चुनाव से पहले, और जैसे बीजेपी कहती है कि वी हैव एक्सपर्टाइज इन स्लॉग ओवर बैटिंग, कि जब हर पोलिंग से 3-4 दिन पहले जब वो पूरा गली गली में उनके नेता घूमते हैं, हर नुक्कड़ पे आपको एक सेंट्रल मिनिस्टर भाषण देते नजर आता है, कहीं पे प्राइम मिनिस्टर, कहीं पे चीफ मिनिस्टर मिलेगा, तो वो स्लॉग ओवर में जब बैटिंग करती है बीजेपी तो उसको लगता है कि तब ये हमने पेटेंट कर लिया और लोग इसकी वजह से हमें वोट दे देंगे, और सोशल मीडिया के चैंपियन है, तो उनको इस वक्त फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन शरद जी एक बात और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के अलावा जमीन पर किसी का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बीजेपी जितना मेहनत करती है, समाजवादी के लोग ड्राइंग रूम में बैठ करके अगर ये चाहते हैं कि हम बीजेपी को चुनाव में हरा देंगे, नामुमकिन है। वो लोग काम भी कर रहे हैं जमीन पर, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा फर्क है, बिल्कुल सही बात है शोकर साहब, आपसे थोड़ा सा फर्क रखता हूँ कि मैं 1987 से यूपी देख रहा हूँ और 1999 के चुनाव में मैं एक दिन मुलायम सिंह यादव के साथ सुबह से शाम तक था, और उन्होंने पूरे पूर्वांचल में कम से कम नहीं तो 25 पब्लिक मीटिंग एड्रेस की थी। हेलीकॉप्टर उतरता था, भागते हुए जाते थे, मीटिंग करके आधे घंटे में लौट आते थे। तो 25 नहीं क्यों, तो 18-19 तो की ही थी। लेकिन जब मैं 2012 के चुनाव में उनके साथ गया तो सुबह से शाम तक उन्होंने सिर्फ 2 मीटिंग की। तो मैंने कहा कि भाई तब आप इतनी मीटिंग करते थे, अब क्या आप उम्र हो गई है? तो मुलायम सिंह का कहना था कि नहीं, अब चीजें बदल गई हैं, अब हमें प्रचार करने का समय भी बहुत मिलता है, प्रोट्रैक्टेड 2-2 महीने 1.5-1.5 महीने का चुनाव होता है, पहले सिर्फ 10 या 15 दिन का चुनाव होता था, तो 15 दिन में सुबह से शाम तक लगना पड़ता था। और दूसरा मॉडल दिखा दिया तेजस्वी यादव ने, आप 5 साल तक कुछ भी कीजिए, चुनाव से 3 महीने पहले पहुंचिए और चुनाव ऐसा उठा दीजिए कि बस थोड़ा सा ही लबेदम रहेगा, नहीं तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आज बैठे होते हम लोग बात ही नहीं करते कि साहब कैसे लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे जिस समय कोरोना चल रहा था। तो वो तो तेजस्वी यादव भी ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, तो दिल्ली में थे, वो तो बिहार में भी नहीं थे, फिर भी जीतते रह गए। तो अब मॉडल चेंज हो गया है चुनाव लड़ने का, पैरामीटर्स चेंज हो गए हैं, मोडालिटीज चेंज हो गई हैं,
मैं श्रीनंद जी को चर्चा में लाना चाहूंगा। श्रीनंद जी, दो बातें। पहली बात तो ये कि क्या समाजवादी पार्टी की गोद में सत्ता अपने आप गिर जाएगी? दूसरी बात ये, राजेश भाई मैं इजाजत चाहूंगा, दो मिनट के लिए, मैं उसके बाद आपसे एक मुझे सवाल पूछना है, मैं श्रीनंद जी से पूछने के बाद आपके पास आऊंगा। दूसरी बात ये श्रीनंद जी कि समाजवादी पार्टी कह रही है सुख दुख में साथ निभाया है, सुख दुख में साथ निभाएंगे, और शरद जी का कहना है कि कोरोना तो कोई मुद्दा ही नहीं है, तो कहीं समाजवादी पार्टी इस समाजवादी पार्टी पार्किंग द रॉन्ग ट्री? सर, इतना तो मैं राजेश जी शरद जी से इतना तो मैं मानूंगा कि ये अगर बीजेपी की सरकार 2022 में अगर गिरती है तो अपने कॉन्ट्रडिक्शंस, अपने राइवलरीज, इनकी वजह से होगा, नॉट बिकॉज ऑफ एनी ऑपोजिशन यूनिटी। ये जो है ऑपोजिशन यूनिटी का जो ये नारा है कि बीजेपी को रोकना है, ये बड़ा डिफेंसिव और नेगेटिव एक तरह से कैंपेन है। इससे इसके कोई भी प्रोग्रेसिव एजेंडा ऑपोजिशन के सामने इस वक्त में नजर नहीं आ। लेकिन इतना जरूर है कि अभी थोड़ा सा अर्ली है, जैसे मैंने कहा कि पहले बंगाल के चुनाव में भी ऐसा लग रहा था कि ममता दीदी का एंटी इनकमेंसी है 10 साल का, वो इस बार जीतेगी नहीं, बीजेपी तो पक्का स्वीप कर रही है, और फिर चीजें काफी कुछ बदल गई चुनाव आगे जैसे जैसे बढ़ा। तेजस्वी यादव को किसी ने कोई भी चांस नहीं दिया था, लालू यादव जेल में थे या अस्पताल में, तो लेकिन वो ये जो एक कैंपेन, अगर पॉजिटिव कैंपेन अखिलेश बना पाते हैं और एक प्रोग्रेसिव एजेंडा लेके चलते हैं, और ये मैं नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है, ये जो कोरोना वायरस में इतने डेथ्स हुए हैं ऐसा भी नहीं है, कोरोना वायरस में जो डेथ्स हुए हैं या अनपॉपुलैरिटी जो लोगों की वैसे ही अनपॉपुलैरिटी है, यानी कि अभी जो पंचायत के चुनाव हुए तो ये तो बीजेपी वहाँ अयोध्या में, वहाँ अयोध्या मथुरा वृंद और यहाँ सभी जगह हार गए अपनी इलेक्शंस, तो पॉपुलैरिटी तो डिक्लाइन में है, कि पार्टी में भी माथा फुटावल है, तो एक स्थिति। लेकिन उनको ये तो जरूर है कि उनके उनके कार्डर्स हैं, उनके वर्कर्स हैं ग्राउंड पे, उनको उनका इलेक्शन मैनेजमेंट बेटर है, उनकी फंडिंग ज्यादा है, तो इस वक्त में तो बीजेपी स्थिति उतनी बुरी नहीं है। क्या हो सकता है थोड़ी सी सुधर जाए, मतलब अभी ये कहना कि बीजेपी बिल्कुल रैकनिंग में नहीं है ऐसा ऐसा गलत है। मैं शौकत भाई को चर्चा में लाना चाहूंगा। श्रीनंद जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास अगर वो प्रोग्रेसिव कैंपेन करे तो उनके पास एक चांस बन सकता है, तो सवाल आपसे ये है कि जब मुसलमान वोट करने जाएगा तो वो समाजवादी पार्टी को वोट क्यों ना दे, क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी तो सबको नजर आ रहा है कि साइकिल सबसे आगे है, तो वो AIMIM को वोट देकर अपना वोट वेस्ट क्यों करे? अनम्यूट, आपका अनम्यूट कर दीजिए आप अपने आप को। शुक्रिया जी। देखिए राजेश भाई, मुसलमान हमेशा बीजेपी को रोकने के लिए वोट करता है। कभी भी मुसलमानों ने और या इन सेकुलर दलों ने, इन सेकुलर दलों के नेताओं ने जो मुस्लिम लोडर हैं, इन लोगों ने मुसलमानों की बस्तियों की तरफ पलट करके नहीं देखा है, और मुसलमान अब उस चीज को बखूबी समझने की कोशिश कर रहा है। 2012 का मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी का मेरे पास है, उसमें इतने बड़े बड़े वादे समाजवादी पार्टी ने किए थे मुसलमानों से, एक सिंगल वादे को पूरा नहीं किया। तो क्यों मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट करेगा? क्या मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट सिर्फ इसलिए करे कि अगर 80 लोगों की भर्ती निकले तो उसमें से 56 लोगों को अगर नौकरी मिलती है तो वो यादव है? उत्तर प्रदेश में हर थाने में अगर 4 पुलिस वाला है तो उसमें 4 यादव है? हम कहां हैं? मुसलमान इन चीजों को समझ रहा है? मुसलमानों का डेवलपमेंट कहां हुआ? मुसलमान तब भी पसमानदा था, आज भी पसमानदा है। क्यों मुसलमान वोट करेगा समाजवादी पार्टी को?
या एनआरसी के मामले में समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के हक में आवाज उठाई? क्या एक सिंगल स्टेटमेंट अखिलेश यादव का आया? क्या अखिलेश यादव अपने घर से निकले? समाजवादी पार्टी ने 19 दिसंबर को एक प्रोटेस्ट बुलाया था एनआरसी पे, उसमें कोई यादव जेल गया, मुसलमान मरा लखनऊ के अंदर, आज मुसलमानों के घरों में रिकवरी की नोटिस जा रही है। तो कहां समाजवादी पार्टी हमारे साथ खड़ी हुई? अब मुसलमान इस चीज को समझ रहा है कि 70 सालों से यूज एंड थ्रो की राजनीति हुई है, इन्होंने हमको इस्तेमाल किया, अब मुसलमान इस्तेमाल होने वाला नहीं है। औरंगजेब, क्या आपको लगता है कि AIMIM एक विकल्प, तगड़ा विकल्प है मुसलमानों के लिए? क्या मुसलमान जो है दोबारा से BSP-SP के पास ही जाएगा? अल्टीमेटली क्या होता है, हमने जो देखा है पिछले इलेक्शन में कि मुसलमान जो है बाय एंड लार्ज उस पार्टी को वोट देता है जिसको जो सक्षम हो बीजेपी को हराने में, वो टैक्टिकल वोटिंग होती है, वो उनको वोट। अब इस बार इलेक्शन क्योंकि इतना ओपन है, अभी कोई ऑपोजिशन, जैसे शरद जी ने कहा, सिमरन जी कह रहे थे कि उतना एक कि ये कहेंगे कि समाजवादी पार्टी स्ट्रांग है, BSP स्ट्रांग है या और बीजेपी बहुत वीक है, ये भी नहीं कह सकते हैं। तो उस हालात में कैसे मुसलमान वोट करेगा, किस पार्टी को फेवर करेगा, वो कहना मुश्किल है अभी, क्योंकि वो आगे चल के देखेगा कि उसके लिए क्या ठीक रहेगा, क्या वो जो टैक्टिकल वोटिंग की मैं बात करूँ, हमेशा देख शरद जी भी मानेंगे, सिमरन जी भी मानेंगे, टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। लेकिन हमने एक चीज तो देखा कि इस बार जो हमारे जो यूपी के ऑपोजिशन है, ये लीडर्स हैं जिसमें अखिलेश यादव हैं या बाकी हैं, मायावती हैं, हमने उनको खाली ट्विटर पे देखा है, प्रियंका गांधी को ट्विटर पे देखा है, हमने उनको अभी तक ग्राउंड पे नहीं देखा है, चाहे माइग्रेंट क्राइसिस हो तब नहीं देखा। प्रियंका गांधी थोड़ा सा बसों का अरेंजमेंट करने लगे, उसके बाद फिर वो हाइबरनेशन में चली गई, हथरस में आई नजर तो फिर हाइबरनेशन में चले गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो ऐसा है कि बीजेपी जिसके पास एक बहुत ही अच्छी वेल ऑयल्ड मशीन है, एक मशीनरी है, क्या आप उसको ट्विटर पे हरा दोगे, क्या आप उसको सोशल मीडिया पे हरा दोगे या ग्राउंड पे हरा दोगे? अभी ग्राउंड पे क्या हालात है अभी कहना मुश्किल है, आगे चल के कितना किसका क्या होगा बहुत ही वो उस टाइम तय होगा। लेकिन आपने जो पूछा है, मैं अभी भी दोबारा कहूंगा कि मुसलमान जो है वो टैक्टिकल वोटिंग करेगा, जो पार्टी इस इतना उसमें सक्षम होंगी कि बीजेपी को हरा सके उनको वोट करेगी, ये हमने पीछे देखा है, आगे भी देख सकते हैं। औरंगजेब भाई हालात बदले जी, मुझसे कुछ कह रहे हैं जी, शौकत भाई ने कहा हालात बदले हैं, उनकी पार्टी एक रियल कंटेंडर है मुस्लिम वोट के लिए। ऐसा है जी, मेरा सवाल भिन्न है, मेरा सवाल इससे अलहदा है। बंगाल में बीजेपी की पराजय नहीं हुई, महापराजय हुई, और वहां पे मोदी और शाह का तिलिस्म में एक सेंध लगी है। तो आप राजेश भाई राजेश भाई, बीजेपी बंगाल में पराजय नहीं हुई है, बीजेपी की कांग्रेस और लेफ्ट की हुई है। 3 से 77 पे जो आता है वो हारता नहीं। शौकत भाई, ये जो आपका जवाब है, ये आप बीजेपी पे अटैक करने की बजाय आप कांग्रेस और लेफ्ट की अटैक कर रहे हैं। नहीं, वो सच बता रहे हैं, इन लोगों की नाकामी। आज बीजेपी अगर सत्ता में है तो कांग्रेस लेफ्ट नाकामी है, जो बड़ी नेशनल पार्टियां उनकी नाकामी है, बीजेपी जो सत्ता में है। ठीक कह रहे शोकर भाई, आप बताइए, आप कह रहे थे वो गलत नहीं कह रहे, वो ठीक कह रहे हैं। आज जहां भी देखिए कांग्रेस हर जगह पे ग्राउंड सीट कर रही है, तो उनका ग्राउंड बीजेपी लेती जा रही है। जहां जहां पे कांग्रेस मुकाबले में होती थी उन हर स्टेट में बीजेपी उनकी जगह लेती जा रही है। तो वेस्ट बंगाल में अगर बीजेपी नहीं सत्ता में आ पाई, मैं हारी नहीं कह रहा हूँ, जो शौकत भाई कह रहे हैं मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि वो कांग्रेस और लेफ्ट ने जो ग्राउंड सीड किया उस जगह को बीजेपी ने लिया, और अगर वो सत्ता में नहीं आ पाई तो इसलिए नहीं कि वो पोलराइजेशन में कोई कमी थी, इसलिए कि वहां पे जो बंगाली अस्मिता थी, रीजनलिज्म
एक्चुअली ट्रम्प पोलराइजेशन, अदरवाइज उन्होंने पोलराइजेशन करने में कोई कमी नहीं रखी थी तो, लेकिन यूपी में उस तरीके, यूपी में उस तरीके का रीजनलिज्म होने की उम्मीद नहीं है। यहाँ पे वो बंगाली अस्मिता नहीं है उत्तर प्रदेश में, यहाँ न भोजपुरी अस्मिता है, न यहाँ पे जाट अस्मिता है, यहाँ पे सिर्फ हिंदू अस्मिता है, सिर्फ यूपी में हिंदू अस्मिता है, और वो इसी वजह से बीजेपी जीतती है। दे हैव ट्रांसग्रेस्ड ऑल कास्ट, उन्होंने सभी कास्ट को यूनाइट कर दिया है कि साहब आप सब हिंदू हैं, आप जाट नहीं है, आप दलित नहीं है, आप जाटव नहीं है, आप हिंदू हैं, और वो जब हिंदू बन गए हैं तो सब बीजेपी को जीत नहीं है। शरद जी, पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ उसमें 11% उत्तर प्रदेश में जाटव, 18% मुसलमान, 7% यादव, यही वोट मिले थे ये सपा बसपा अलायंस को, और बाकी कोई वोट नहीं मिला। पर शरद जी, मेरा सवाल ये था कि क्या हमने बंगाल में पोलराइजेशन की इंतहा देख नहीं ली, या इससे भी ज्यादा पोलराइजेशन हो सकता है? मैं एग्जैक्टली मैंने वही आपको जवाब दिया कि वहां पे जो उनकी बंगाली अस्मिता थी, उनको लगा कि साहब ये गुजराती आके, ये यूपी वाले आके हमारे ऊपर कब्जा कर रहे हैं, तो उन्होंने जो अपना बंगाली अस्मिता थी वो उसको प्राथमिकता दी, लेकिन इस तरीके की कोई भी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश में नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको बताया सारे हिंदू हो चुके हैं, तो जब हिंदू हो चुके हैं तो सब हिंदू पार्टी को वोट देंगे, तो कभी भी मुसलमानों की बात नहीं करते, कभी भी क्रिश्चियंस की बात नहीं करती है, वो हिंदुओं की बात करती है, तो सब हिंदुओं की एक पार्टी है तो हिंदू उसको वोट दे रहे हैं, क्या उसमें गलत है? जब AIM मुसलमानों की पार्टी बन के उभर रही है तो बीजेपी को हिंदुओं की पार्टी बनकर उभरने में क्यों शर्मानी चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात, कोणार्क दीक्षित कांग्रेस से निष्कासित लेकिन अभी भी मन से कांग्रेसी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े थे, लेकिन वो एक धरने पर बैठे हुए हैं और इसी वजह से उनसे हमारा संपर्क टूट गया और हम उनसे बात नहीं कर पाए। लेकिन एक बार फिर से आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।